पहले हैं, कमेंट करके बताओ आप लोग कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, ये थोड़ा फिट लग रहा है। हाय मम्मी, जस्ट अभी हम घर पे पहुंचे हैं। सुहानी देखिए एक दो घंटा से खड़ी हुई थी यहीं पे, क्योंकि ताला लगा हुआ है, थोड़ा रो रही है। अच्छा चुप हो जा, चुप। दो को बिस्कुट लिया है तो तीन गो का। अच्छा दो रहे तो अपना घर ही ना अपनी से खड़े रही के अखन टाइम में कौन कौन घूमना कबाड़ी वाले घर में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होंगे। और अभी जा रहे हैं पढ़ने के लिए और आज फिर से ब्लॉग बना रहे हैं। भैया नहीं थे तो नहीं बना रहे थे। यहाँ पे देखिए मेरी चिड़िया को, और इतना ज्यादा धूप है ब्लॉग बनाने में भी नहीं बन रहा है। मम्मी को देखिए यहाँ पे गेंडा रख दिया सूखने के लिए धूप में, और अभी जा रहे हैं पढ़ने। तो गाइस जस्ट मैं अभी बढ़िया तरीके से नहा के फ्रेश हो गया हूँ, गया था धनबाद भैया जी को छोड़ने के लिए। तब से आने के बाद ऐसा लग रहा है पूरा शरीर में दर्द हो रहा है। बाकी अभी धूप का मौसम हो चुका है, यानी दिन के 10 बजने वाले, आज काफी लेट हो गया है। मम्मी इधर खाना निकालने में लगी। मम्मी गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, मेरे बेटा बेटी। हाँ लाइट नहीं है। अरे लाइट चला गया, सच में चला गया। मम्मी जी का आशीर्वाद देना जरूरी है, सबको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद भरपूर है सुबह के पहर। मम्मी का भी काम है, हाँ। करने पड़ता है, हाँ। तभी छुट्टी नहीं है, इसलिए इधर फराल है मम्मी। अभी हमारा पर्व का समय है, सबको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा छठी माई की तरफ से। अभी ऐसा सीन है कि छठ पूजा का तैयारी चल रहा है, रील्स भी शूट करना है। कितना दिन बचा हुआ मम्मी छठ पूजा का? अभी 20 दिन बचा हुआ है लगभग। दिवाली के 10 दिन से 6 दिन 16 दिन ना, आज रील्स भी शूट करना है। छठ पूजा कैसे होता है वो तो देख लिए होंगे कई सारे, हमने एक या दो ब्लॉग हमने डाला है। यानी अभी तो हम हाल फिलहाल में वायरल हुए हैं, साल भर हुआ है, एक ही ब्लॉग बनाया ना मम्मी हम छठ पूजा का, एक ही जिसमें हमारा मुंडन भी हुआ था। इस बार खूब बढ़िया से बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। वीडियो को अपलोड हमने कर लिया है, फोन को चार्ज पे लगा देते हैं। मम्मी जी अभी हमें एक टास्क दिया, दिवाली को लेकर घर की पूरी साफ सफाई चल रही है, जितना भी डब्बा वगैरह था ऊपर से हटा दिया गया है, जिससे सारा डब्बा का जो है। मम्मी मसाला निकाल दी इसमें से? अच्छा ये डब्बा छोड़ दो इसको, कौन सा डब्बा आपको धुलना है अभी? तो कहाँ किसमें निकाल के रखना है इसमें का मसाला? तो खाएंगे। अच्छा इस सबको धुलना है, बढ़िया मिट्टी लगा हुआ है, धूल जमा हुआ है, इसको साफ कर देते ताकि दिवाली पे थोड़ा अच्छा लगे। साल में एक बार पूरे घर को साफ करना जरूरी होता है, वैसे मेरा घर को तो कचरा बना के हम रखे करते हैं, जहाँ सोते वहाँ पड़े रह जाते हैं, आदत है गाइस, गाँव से है ना। हमने शर्ट को उतार दिया क्योंकि नया नया वो शर्ट था, खराब हो जाता है, इतना महंगा शर्ट था है ना जो भैया जी हमको गिफ्ट किए थे। और दूसरी बात यह है इसीलिए हमने टी शर्ट पहन लिया, ताकि टी शर्ट पहन के अपना काम करेंगे, इसमें धूल मिट्टी लग गया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूरे डिब्बे को खाली करेंगे, जिस जिसमें जो सामान रखा हो, इसमें तेल मिर्च रखा हुआ है, ये हमारा किचन का पूरा सामान है। गांव में ऐसा होता है, आप लोग यहाँ प्रोफेशनल प्रोफेशनल होता होगा, अलग अलग डब्बा रहता है, लेकिन गांव में ऐसा होता है। वो अचार है, वो है नींबू का, और इधर वो आम का अचार है ना मम्मी? और एक ये पुराना अचार है जो खराब हो गया, इसमें खराब ही ना हो गया मम्मी? खोले जरा ना, प्याज का अचार है इसीलिए खराब हो गया। काम है, कोई व्यक्ति है आ जाइए काम करवा दीजिए, हमारा घर के थोड़ा बोझ हल्का हो जाए। भाई सब देखना होता है, वीडियो एडिटिंग, थंबनेल वंबनेल बोलना, सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना होता है, कोई व्यक्ति नहीं देख पाते हैं। डुकरी यानी छिट्टा बोलते हैं हमारे गांव में, एक नहीं कई सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोकरी रखा हुआ है। हर साल छठ पूजा का तैयारी होता है, हमारे छठ पूजन किया जाता है, तो एक एक दौरी जो है पापा जी अपने हाथों से बिन करके रखते हैं, तो समझिए 11 सालों का जो है ये दौरी है हमारे घर का। ऐसा होता है दिवाली में हमारे घर में सीन में, दो डब्बा मैंने बोले थे लेकर आने के लिए, ये भी धान का है, ये भी धान का ही है। उधर अपना साफ सफाई करने में लगी है, जो भी सामग्री जो है डिब्बा वगैरह में रखा हुआ है, और हम भी शुरू हो जाते हैं। बाल्टी को रख देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं कैमरा को फिट, अब दिख रहा होगा क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं घर में पकड़ने के लिए कैमरा, तो ज्यादा हम व्लॉग नहीं कर पाते। कौन सा मम्मी डिब्बा? कौन टोटी वाला? घर में, घर में इसको सारा को खोलना है। कचरे वाले आओ ले जाओ हमारे यहाँ से कचरा। ये तो अचार है मम्मी, तो भूलना पड़ेगा।
हो रहा होगा, 5 मिनट का वीडियो बन गया, बताइए। बोले बोले कुछ नहीं, सिर्फ मिर्ची मसाला साफ करने में लगे रहे। इतना डब्बा है रे बाबा, इसको साफ करना है। मम्मी इसमें का मसाला निकालो। गाइज ऐसा करते हैं, सबको बढ़िया तरीके से रख लेते हैं, फिर नीचे धुल करके सबको सूखने के लिए रख देंगे। और क्या काम है मम्मी? मिट्टी कटना है, दरवाजा भरेगा वहाँ। अच्छा मिट्टी कटना है ना। अच्छा अभी जो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया यहाँ पे, तो उसमें डॉट दिख रहा होगा, क्योंकि धूप जो आ रहा है ना वो कैमरे के ऊपर ही रिफ्लेक्स कर रहा है, इस वजह से जो है वो थोड़ा डॉट टाइप का दिख रहा होगा। बहुत गंदा गंदा निकल रहा है इसमें से। कबाड़ी वाले घर में दिवाली में काम करना होता है। चलो बस फाइनली इसको नीचे रख दिए, अब इसको बढ़िया तरीके से धुलना है। ऐसे साफ कर रख रहे हैं, बाद में धुल देंगे सबको। कहाँ पर? सिरी पर। कहाँ चले? ना चले, गिर गए। फाइनली सबको धुल दिए, पसार देते हैं, और उसके बाद अभी चलना है हमें रिचार्ज करवाने के लिए। मेरा हालत हो गया ख़राब, सच बताए मोटे हो गए ना तो काम नहीं कर पाते हैं, तब से बहुत थकावट होती है, क्योंकि फिटनेस में नहीं रह पाते ना, इसीलिए। चलो वैसे एक काम फिनिश कर दिए हैं, मम्मी जी के लिए आसानी पड़ जाएगा। अब फ़ोन का रिचार्ज कराना, पोस्टर बनाना, फिर मिल भाई। फिर से कपड़ा वड़ा पहन के रेडी हो चुके हैं, मेरा फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया, मम्मी जी से पैसा लेते हैं फिर चलते हैं रिचार्ज करवाने के लिए। नहीं तो भैया वीडियो तो अपलोड हो चुका है, क्योंकि एक में 4 GB मिलता है, एक में 4 GB। जो वीडियो हमने बनाया था वो 4 GB का ही था, 50 MB बचा हुआ था जब हमने वीडियो अपलोड किया, तो 50 MB मात्र बचा था। हम जैसे गांव के लड़कों के साथ ऐसा ही होता है, यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम। जैसे दुकान जा रहे थे, आपकी प्यारी बहन गुड़िया रानी सुहानी आ गई है पढ़ के। आज कौन सा क्लास हुआ? कुछ भी नहीं, कविता पढ़ाई हुआ था बस। हाँ। समझाए होंगे ना? हाँ। कविता पढ़ पढ़ के ठीक है, घर में रहो, मम्मी आ रही रिचार्ज करवा के। हाँ। सबको सबको बोल दो भैया लोग, भैया लोग हम पढ़ के आ चुके हैं, भैया लोग हम पढ़ के आ चुके हैं, अभी जा रहे खाना खाने, और आप लोग भी आके खा लीजिए। तो गाइस अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मम्मी को इतना ज्यादा रख दी है, झोरा और पानी वाला बोतल, और यहाँ पे देखिए ये तावा सबको रख दिया है साफ करने के लिए। मम्मी बहुत काम किए इसलिए थक गए हैं, बोले हमें साफ कर लो, यहाँ पे यहाँ रहे बहुत सारा। और अभी दिखाते हैं भैया कितना ज़्यादा काम किया है, और बाकी अभी जाते हैं खाना खाने, और फिर खाना खाने के बाद साफ करेंगे सारा चीज़ों को। यहाँ पे देखिए ये पूरा खाली हो गया, कैसा लग रहा है देखने में। गाइस अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, इधर आपकी प्यारी बहन सुहानी जा रही है पूरा घर को साफ कर दी है, उधर वाला डिब्बा हुआ जो भी था हम लोगों ने साफ कर लिया है, ये जा रही बर्तन को धुलने। अभी पढ़ना भी है तुमको है? हाँ, छुट्टी नहीं मिला दिवाली का? मैम जैसे कि हमारे बिहार में जो है महापर्व यानी छठ का पूजा मनाया जाता है, उसके ऊपर अभी कोई सा भी जो है बढ़िया तरीके से हमने रील्स भी नहीं बनाया, ना कोई वीडियो बनाया, ना अभी तक हमने ब्लॉग में बोला है। अगले साल ही हम वायरल हुए थे, तो पहला छठ पर्व जो हम अपने यूट्यूब फैमिली के साथ मनाए थे। बाहर से देख रहे हूँ जिनको छठ पूजा के बारे में नहीं पता, जैसे बिहार से अदर स्टेट से रहने वाले हैं, तो छठ पूजा जो हमारे पूरे बिहार के लिए, जैसे दीपावली पूरे भारत के लिए मनाया जाता है, तो ये महापर्व होता है हमारे बिहार के लिए, बहुत बड़ा पर्व होता है जो साल में एक बार आता है। हम लोग खूब धूमधाम से पूरी कचौड़ी पूरा घर उर को, ये तो दिवाली के लिए भी साफ हो रहा है, लेकिन छठ पूजा के लिए भी साफ किया जाता है। खूब मौज मस्ती से हम लोग मनाते हैं, और खूब वेरी एक्साइटेड रहते हैं कि कब छठ पूजा आए, और हम लोग कीड़ा का पतवा तो सब कुछ ले जा करके, खाने पीने के जो टिकिया वगैरह होता है, जो मीठा मीठा पकवान होता है, ऊख वगैरह होता है, गंगा जी के किनारे जा करके रखते हैं। और जो लोग पर्व किए, जैसे मम्मी जो है पर्व करेगी तो वो पूजा करेगी, सहेगी एक दो दिन का पूजा करके, हम लोग फिर घर पे जब प्रसाद आता है तो बड़ा एक्साइटेड होते हैं कि छठ पूजा वाला प्रसाद खाएंगे, क्योंकि 2 दिन तक खाने को नहीं मिलता है, ये सब चीज़ें होता है मन में सुखता। तो अभी का सीन कुछ ऐसा, हमें जाना है मार्केट में, और बस इसलिए हमारा पर्व जो होता है बहुत बड़ा, हमारे बिहार के लिए एक बहुत खास पर्व होता है, जिसका बयां ही नहीं कर सकते हैं। जैसे छोटा सा मिनी केरवा के पतावा पे न्योता पे ठवनी, न्योता करीना स्वीकार जी। हाँ, ऐसे हमारे गांव का जो गाना होता है, यानी ये मतलब कह सकते हो
ये हमारा एक मातृभाषा का गाना होता है बिहार का, हमारे छठ पूजा को लेकर के। तो अभी हमें जाना है, अंगूछा लाना है, सेब संतरा लाना है, क्योंकि वीडियो शूट करना है तो पूरा उसी रीति रिवाज में रहना होगा जिस तरीके से थाल सजाया जाता है सूप का। यही मम्मी जी घास पास गड़ के और आधा घंटा लेट आई है, हम कब से कपड़ा वड़ा पहन के रेडी हो गए थे, तैयार हुए थे। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं दुकान पे कुर्ता लेने के लिए, क्योंकि छठ पूजा में जो होता है ना एक अनोखा प्रकार का एक रस्म के हिसाब से जो कपड़ा पहना जाता है, तो रेड तो चलता नहीं है ना मम्मी, रेड चलेगा नहीं, पीला चाहिए, पीला कलर में, क्योंकि रील शूट करने के लिए लाल रंग का टीका, पीला पीला गमछा होना चाहिए ना भैया। कौन सा ले लो दोनों में से, ऐसे मतलब थोड़ा डिजाइन हो जाता है पूजा के लिए, अच्छा लगेगा, नहीं बहुत बढ़िया लगता है, खुलता है ना पहनते हैं बहुत सुंदर लगता है। हाँ से आप लोग देखो, हम लोग का मार्केट जो है ना कचरा हो गया, क्योंकि पानी बीच में नदी जो है उस पार है और माता रानी यहाँ पे आके बसी हुई है। देखिए नदी इस चारों तरफ बह रहा है यहाँ तक, ये नदी नहीं है गाइस, ये बारिश वाला पानी है, अच्छा नहीं लगता है यहाँ से जाने आने में, बट क्या करें, यहाँ का नाला वाला भी नहीं, साइड से जो पानी निकल जाए। पहन तो लिया कपड़ा लेकिन हो ही नहीं रहा है, एकदम पूरा टाइट टाइट हो रहा है। दूसरा देखिए ना भैया, दूसरा दिखाइए, अगर इससे बड़ा हो इसको खोलना पड़ेगा, जब भी कपड़ा लेने जाते हैं इतना मोटा हो गए मेरे साथ, देखिए प्रॉब्लम हो जाता है, फिट उट बढ़ रहा है, वेट भी बढ़ रहा है, 84 किलो का आज नापे हम, खुद 84 किलो का हो गए, ऐसा हो गया है। तो गाइस ये दूसरा वाला पहने हैं, कमेंट करके बताओ आप लोग कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, ये थोड़ा फिट लग रहा है। हाँ मम्मी अब एक और मार्केट में जाना है, देख लेते अगर वहाँ बेटर मिल जाएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो गाइस अभी वीडियो हमने बनाया, बड़ा अच्छा लगा देख करके, है ना, एक अंगूछा हमने लिया है और एक है कुर्ता। कितना का पड़ गया भैया? कपड़ा हमने इस वाले दुकान से ले लिया, मिठाई नीचे वाले दुकान से लेते, जब भी पेमेंट उठाने आते हैं। अब लेना है प्रसाद वगैरह पूजा के लिए, यानी वीडियो शूट करना है तो केरा लेना है, नारियल लेना है, सेब लेना है। लोग सामान लेने के लिए आए हुए, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम हो गया, आपकी प्यारी बहन सुहानी जो है ना घर पे ही है, क्योंकि उसका कोचिंग का जो छुट्टी हो जाता है 5 बजे और हम लोग अभी 6 बज रहा है यहाँ पे मार्केट में, और ताला मार दिया गेट में, बड़ा प्रॉब्लम है, जल्दी से घर पहुँचना मम्मी, छुटकी गुस्सा करेगी, निकलो निकलो। हाँ ठीक है, निकल रहे। और ये अंकल जी कनवा के देख रहे हैं, कहीं मारने वरने का विचार है इनको। जस्ट अभी हम घर पे पहुंचे हैं, सुहानी देखिए 1-2 घंटा से खड़ी हुई थी यहीं पे, क्योंकि ताला लगा हुआ है, खोला सुधर ना। हमारे बाबू, हमारे बाबू, हमारे छोना, देखो तो माची उची लग गिर गेलो, हाँ गिर गेलो यहाँ कनु ना, कोई माथा चुमा ले लड़को, हाँ चाबी होगा मम्मी, खोलो 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 खोलो। तब हम बोल रहे थे ना गाइस, अभी हम लोग चले गए थे घर को बंद करके, इसका पढ़ाई होता है, रो रही है, अच्छा चुप हो जा, चुप, दो दो को बिस्कुट लियो है तो 3 गो खा लिया, अच्छा अथी ला लिया, केला ला लिया, सेब ला लिया, हाँ एक चोरे ला कपड़ा ला लिया है, कवित क्या है, वो डर रही है सुहाने, आप लोग गाड़ी में तेल भी गिर रहा होगा, गिरना स्टार्ट हो जाता है गाइस, गाड़ी में भी प्रॉब्लम हो गया, इसका भी रिपेयरिंग कराना होगा। रिमोट की पत्थर की बहन को तो कितना घंटा खड़ा रही, 1 घंटा ना, बहुत देर से, लो ये भी खा लो, लो खा ना, खा लो, ताला बंद करके चले गए थे बेचारी घर के बाहर खड़ी, चल चल खोल के आए, क्योंकि सीन कुछ ऐसा, हम लोग मार्केट करने के चक्कर में बाहर चले गए, छठ पूजा जी का तैयारी रील्स वगैरह बनाना था, सारा सामान देखो बिखरा हुआ है, ये होता है, हमारे घर में कोई है नहीं, सुहानी पढ़ने चली जाती है, मालकिन साहब अभी आई है, रो रही थी बाहर में खड़े होकर, क्योंकि हम लोग ताला मार के चले गए थे, और उस पूरे सामान को भी उठाना, क्योंकि सवेरे से ही सूख रहा था ये, क्योंकि हम लोग बढ़िया तरीके से सुखा लेते हैं सारा सामान, वहाँ रख लेते हैं, अभी खाना वाना बनेगा, मस्त खाएंगे। इधर हमारे घर की बड़ी मालकिन बैठी हुई है, एक मालिक जी हैं पापा जो पटना में है, अभी पूजा के लिए सुहानी के राधा के दोनों मिल करके धान कुटिए, हाँ सारा कुछ बढ़िया तरीके से हमने रख लिया है, सैंत लिया यानी सैतना यानी बढ़िया तरीके से रखना रख लिया हमने। आज के ब्लॉग के लिए इतने, बिहार समस्तीपुर से देख रहे पूरा फुल सपोर्ट कीजिए, भाई को सपोर्ट करते रहिए, थोड़ा सा व्यू डाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, होता रहता है, आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा फैमिली का जो पेट इसी से पलता है गाइस,
और बस का ही बताए, बस आप लोग सपोर्ट करते बड़ा अच्छा लगता है। इंस्टाग्राम पे 2 लाख फॉलोवर कंप्लीट हो गया है, जाओ आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन जाके फॉलो कर लो या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च करो राजा व्लॉग 123, यानी 1123 करके सर्च करोगे, मम्मी पापा के साथ डीपी लगा है, जाकर के फॉलो कर लो, 2 लाख फॉलोवर कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट करते रहो, चैनल पे 3 लाख कंप्लीट करवा दो। और बस कुछ यूनिक व्लॉग आने वाला है, अभी पापा जी भी घर आने वाले हैं, हमारा छठ पूजा का त्यौहार चलेगा, दिवाली चलेगा, छठ पूजा में किस तरीके से रसम होता है सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं डेली व्लॉग के साथ। कहने की जरूरत नहीं, बस आप लोग भाई को सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। चैनल पे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। सुहानी अपना क्यों निकाल के मेरा व्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाइट लेके रखी थी तभी जाकर व्लॉग को हम एंड कर पाए।